Darling, you send me. Darling, you. Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Z. I'm back again with a new video, baby. Okay, so guys, मैं just अभी अभी सो कर उठा हूँ. मुझे शुभम का फोन आया कि उसके कोई फ्रेंड ने उसे एक प्लेस के बारे में बताया जो कि एक अबैंडन्ड मेंशन है. तो मैंने शुभम को बोला कि मैं तैयार होकर नीचे आ रहा हूँ. क्यों नहीं हम वहाँ जाते, क्यों नहीं भाई? बस हमें इससे जगह की बहुत तलाश है. मैं तो भिखारी हूँ अबैंडन्ड जगह का. मुझे तो जगह चाहिए सिर्फ घुसने के लिए, चाहे फिर पुलिस पकड़े या कोई भी पकड़े. सो गाइस, अब बात करते हैं मुझे जगह की. वो जगह मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, ना शुभम गया है. उसके दोस्त ने उसे जगह के बारे में बताया. तो आई मीन गाइस, अब मुझे फिर से थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, बिकॉज ऐसी सब जगह पर जाने के लिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ. मेरा मन मचलने लगता है एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हम कभी अब निकले एंड वहाँ कब जाए एंड उस जगह को देखे, बिकॉज बहुत मज़ा आएगा डूड. एंड जो जगह पे जितना हार्ड होता है घुसना, वो जगह पर अंदर आएगा उतनी ज़्यादा मज़ा आती है. तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं. सो वाई ऑलराइट, सो गाइस फिलहाल तो हम लोग उस जगह पे आने के लिए निकल चुके हैं. ऑन द वे वो बंदे ने हमें सिर्फ एड्रेस दिया है. उसने उसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया कि हम वहाँ पर कर सकते हैं. खाली उसने इतना बोला है रिस्की है थोड़ा संभाल के जाना, बिकॉज वहाँ पे भी थोड़ा अबैंडन्ड जगह पे. टू मुंबई के अंदर अबैंडन्ड जगह के अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है. जो जगह अबैंडन्ड है वहाँ पे नहीं जाने मिलता. आई मीन पुलिस वगैरह का प्रॉब्लम रहता ही है, बट अगर हम जा रहे तो हम हमारी रिस्क पे जा रहे हैं एंड अब जाकर देखते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी. बट डूड, मुझे प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमको अच्छी अच्छी जगह से भाग कर निकले. तो हम इस जगह से भी हम भाग के निकल जाएंगे किसी तरीके से, बिकॉज जब जगह अच्छी रहेगी पहले हम जाएंगे, हम जगह का जायजा लेते हैं, जगह कैसी है कैसी नहीं, आजू बाजू देखेंगे एंड देन एंटर करेंगे, हम रिक्स नहीं लेंगे. सो वही से चले चलते हैं देखते हैं, बिकॉज ईद आ रही है, मुझे जेल में नहीं जाना. सो ऑलराइट, सो गाइस जैसे हम लोग देख सकते हो फिलहाल हम लोग उस जगह पे पहुंच गए. आई मीन आधा एक घंटा ट्रेवल करके एंड शो हम लोग वहाँ पर दिखा दो. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बंगलो ये वाला है और एक बंगलो उसके आगे वाला है. ये दो बंगलो है बट दोनों बंगलो के गेट बंद है. आई मीन यहाँ पे अंदर घुसने कोई रास्ता नहीं है, बट सामने के बंगलों में वॉचमैन वगैरह है. तो एक प्रॉब्लम ये है कि कॉप्स आ सकते हैं यहाँ पे, बट रिक्स लेके आना पड़ेगा, बिकॉज ये बिल्डिंग बहुत बॉम्ब लग रही है और बिल्कुल भी अनटच है. आई मीन मेरे को लग रहा है यहाँ पर अंदर घुसा है, जो हिसाब से सील है हर जगह से, खाली कांच टूटी हुई है बिल्डिंग की. तो अंदर जाके देखते हैं पहले कैसा लगता है कैसा नहीं. आई मीन रिक्स होता है डूड ये सब चीज़ करने के, लेकिन मज़ा आता है ऐसी सब जगह देख के. आई मीन लेफ्ट में दिखा दो ना, मैं मेरा दो मिनट नहीं चलता हूँ. ना गाइस, ये तरफ से दूसरा व्यू है, ये दूसरा बंगलो है, देख सकते हो ये दूसरा बंगलो है. ये बंगलो है, बंगलो है या नहीं? नहीं, ये बंगलो नहीं है, बंगलो छोटा भी बंगलो नहीं है. पीछे वाला बंगलो था, उसके पीछे वाला जो दिख रहा है वो बंगलो है, ये अपार्टमेंट है. पीछे उसको व्हाइट कलर का दिख रहा है तुम्हें, वो बंगलो है. आई मीन यहाँ पर एक साथ तीन अपार्टमेंट है जिससे हम कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. मैं तुमको नजदीक से दिखाता हूँ, बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है जाने के लिए, एंटर करने के लिए. ऑलराइट, सो गाइस जैसे तुम लोग देख सकते हो फिलहाल अभी हम लोग इस बंगलो के पास खड़े हुए हैं. ये बंगलो है जिसके अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद है, तुम देख सकते हो. ये डूड, ये ताले को इतनी जंग लगी हुई है, इससे तुम लोग देख के समझ सकते हो जगह को कि यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है. तुम लोग समझ में आ रहे हैं? ये लोखंड सड़के गिर रहा है डूड, ये देखो, मतलब यहाँ पे कोई नहीं आया है. एक ये है, एक ये दूसरा है, यानी कि सबसे हॉन्टेड जो है वो ये वाला है. मैंने अपनी कार यहीं पर ही पार्क करी है. अब हम डिसाइड करेंगे इस समय किस में आना है. चलो चलते हैं देखते हैं. ऑलराइट, सो गाइस हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया हम लोग इस बंगले में घुसेंगे, बट इसको तुम देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है. सब कुछ आइडिया नहीं डूड अभी यहाँ से कैसे अंदर जाएंगे, बट एक बार चलते हैं अंदर फिर देखते हैं. वहाँ से दीवार खुद के एंटर तो कर लिया, बट फिर अंदर चल के देखते हैं. यहाँ पर इधर गेट है, वहाँ से मेन गेट से एंटर नहीं कर रहे, हम पीछे से एंटर कर रहे हैं. पाइप वाइप पड़े जो कि कुछ काम के नहीं है बिल्कुल भी. वॉशरूम में अंदर सीमेंट्स के पैकेट पड़े हुए, आवाज सुना रही है? आवाज आई ना कुछ? हाँ, ऊपर कोई है डूड. दरवाजा नीचे वाला बंद हो रहा है, ऊपर कोई है, ऊपर कोई है. फाक,
ऑलराइट सो गाइस, आपने मुझे बताया ये भी, जहाँ तक मुझे पता है ये भी इलीगल प्रॉपर्टी थी, जो कि बनते बनते इसको बंद कर दिया गया, इसका रिनोवेशन चल रहा था, इसमें देख सकते हो ये बनने वाली प्रॉपर्टी का, उसमें देख सकते हो सारी टाइल्स वगैरह रखी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी पूरी बन रही नहीं, ये जगह बन रही थी और बनते बनते इसको यहाँ से लोग यहाँ से खाली कर दिया गया लोगों घर, क्योंकि ये टाइल्स वगैरह देख के ये सब देखते हमें समझ में आता है कि जगह नहीं बनी है, क्योंकि सीमेंट वगैरह के पैकेट अभी तक रखे हुए सारे, तुम देख सकते हो सारे न्यू सीमेंट के पैकेट रखे हुए, क्योंकि अभी पत्थर बन चुके हैं। चलो ऊपर जाते, यहाँ पे तो कुछ नहीं डूड देखने लाइक, ये पूरा बंगलो रिनोवेट हो रहा था, ये गाइस ये पूरा बंगलो रिनोवेट हो रहा था, पूरा बंद रहता है, इसको खाली कर दिया है यहाँ से। सो गाइस अभी हमें अमीर बिल्डिंग की टेरेस पे आ गए, अभी हमें वो बंगलो की टेरेस पे आना है, वो बंगले की टेरेस पे आना आई मीन ना के बराबर है, बिकॉज वहाँ पे एंट्रेंस का कोई रास्ता ही नहीं है, बस वो बंगलो के सारे डोर क्लोज है, तो हमें अंदर घुसना पड़ेगा यहाँ से, वहाँ जंप मार के सबसे पहली बात, और जब मान के हम वहाँ चले तो जाएंगे, बट ये नहीं पता हम वहाँ चले जाएंगे बट हम वहाँ से वापस कैसे आएंगे, बिकॉज वहाँ पे वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एंड डूड सारे गेट्स ब्लॉक है, सारे गेट्स बंद है, जंग लग गए हो गेट पे, तो यहाँ से अंदर तो हम लोग जम आने की जगह है बट वहाँ से वापस आने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, सो पहले यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, देन वहाँ आगे देखते हैं कैसे आ सकते हैं कैसे नहीं। ऑलराइट, सो गाइस जैसे लोग देख सकते हो फिलहाल में हम लोग बाउंड्रीज के शॉट ले रहे थे हाथ में कैमरा पकड़ के, वहाँ से चलना था ऊपर जाना था, मुझे लगा कि ये ऐसा प्लेन है, मैंने बहुत जोश में वहाँ से ऊपर जंप मारी, और जब जंप मारी तो देखा तो वहाँ पर इतना बड़ा खड्डा है अंदर कि दूर अगर स्लिप हो जाएंगे तो यहाँ से सीधा नीचे गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट के पाइप्स वगैरह है बीच में होल रह के, सो मतलब ये ड्राई एरिया है पूरा। तो चलो अभी जाते हैं दूसरी जगह और देखते हैं क्या देखने मिलता है क्या नहीं। सो वही ऑलराइट, सो गाइस गर्मी की हमारी हालत ख़राब हो रही है, जिसमें देख सकते हो मैं पूरा स्वेट कर रहा हूँ डूड, आई मीन ऊपर हम लोग गए थे इतना देखे बट ऊपर कुछ था नहीं इतना देखने लाइक, सब ऊपर का सामान नीचे फेंक दिया गया, आई मीन तुम देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे 5-6 साल पुरानी चप्पल पड़ी है, जो यहाँ पर रहता होगा उसकी चप्पल पड़ी है, और फिर ये सब बॉटल्स वगैरह बाय द वे यहाँ पे वाओ काइली कौन यूज़ कर रहा है, काइली कॉस्मेटिक। अब हम जो बात कर रहे थे डूडू, वो बात ये कर रहे थे कि हमें वो साइड वाले बंगलों में आना है, उससे वहाँ जाने का रास्ता यहाँ से हमें जम करके वहाँ जाना पड़ेगा, जब तक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है या छुट्टी पे कहाँ है नहीं पता, बट अच्छी बात है नहीं कि तो हमारा काम आसान हो गया, तो हम सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर अंदर जाएंगे तो यहाँ से भाग कैसे आएंगे, और अंदर जाना बहुत जगह पर आसान होता है बट बाहर आना नहीं, नहीं डूडू हम बाहर आ सकते, चलो आ जाओ। सो भाई संभाल गया ना यहाँ, संभाल गया हमें कैमरा देना, अच्छा पूरा बंदे यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे एंट्री नहीं आने के लिए, तो चलो चलते हैं यहाँ का देखिए, तो चलो चलते हैं देखते हैं यहाँ क्या देखने मिलता है क्या नहीं। तो लॉक लॉक तोड़ सकते हैं, फाइनली रेस्टोरेंट ऐसे अंदर घुस सकते हो, जैसे देख सकते हो ये भी सेम जगह है डूड जो बंद रही थी एंड इसे खाली करा दिया गया, ये बंगलो भी बहुत बॉम्ब है डूड, लेकिन से खाली करा दिया, तुम लोग देख सकते हो काम चल रहा था पूरा बंगलो का सीलिंग वगैरह हर चीज, लोगों ने बहुत पैसे लगाए, ये सब देख सकते हो डूड, ये चीज खूबसूरत है, ये चीज बहुत खूबसूरत है। सबसे पहली बात पता है क्या है, ये इसके घर का और एंट्रेंस था, ये वहां से एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है घर का, ये मेन एंट्रेंस है, ये एक बेडरूम है ये तरफ जिसका, वहाँ से रूम दूसरे जहाँ से एंटर करें वहाँ वो एक बेडरूम था, हमने मेड गेन से एंटर नहीं किया तो वहाँ पे डाला था, यहाँ से हमने एंट्री किया, ये मेन यहाँ का रूम है, जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे यहाँ पे एक डोर था, डोर के ऊपर दो फ्लोर का वो है बालकनी दिया हुआ है, एंड डूड ये जो बाहर दिया हुआ है ना बाउंड्री उसके पीछे पूरा हिल है, आई मीन वहाँ से सब देख सकते हो, देख सकते हो वहाँ पर पूरा पूरा हिल है, यहाँ पे दूसरा बेडरूम दिया हुआ है मेरे ख्याल से इसने,
यहाँ का दूसरा बेडरूम दिया हुआ है एंड जैसा वहाँ का रूम से हम घुसे अंदर वैसे यहाँ के रूम में दिया हुआ अंदर घुसने के लिए जगह एंड एज ऑलवेज जैसे तुम देख सकते हो ये व्हाइट सीमेंट है जिसका मैंने कहा था सीलिंग का काम हो रहा था फिर उसके लिए व्हाइट सीमेंट है फिर किसी ने यहाँ का दरवाज़ा ऑलरेडी हमारे से आके तोड़ चुका है मतलब यहाँ पे बहुत लोग आके जा चुके हैं कन्फर्म है ये बात तो हम ऊपर चलते हैं देखते हैं डूड बाय द वे बंगलो का बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ बंगलो का बहुत सारे हर रूम के अंदर छोटी छोटी बालकनी दिया हुआ है देखें ये गैलरी कूल ना सुबह सुबह उठ के अगर हम सारे खड़े रहे और सामने से एक रोड जाता हो जो रोड पे कोई भी नहीं है तुम देख सकते हो आई मीन कितना कूल व्यू था सो कभी जाना ऊपर बंदा बैठा है हाँ मुझे घर के पास बट उसे पता नहीं है अंदर है उसने हमारी कार देखी है ओके फक तो डूड यहाँ पर वॉचमैन ने हम लोग देख लिया फक 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 कैमरा पीछे मार कैमरा पीछे मार तुम देख सकते हो लग गए बट मैं पहले टेरेस पे जाऊंगा फिर यहाँ बाहर जाऊंगा चाहे वॉचमैन देखे या कुछ भी देखे यहाँ पर आओ नीचे उतरूंगा ऐसे ही पकड़े आएंगे नहीं पकड़ेगा तो अच्छी बात है हमेशा की तरह अल्लाह मेरा साथ दिए तो बहुत अच्छी बात है तो हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे अपना काम पूरा करेंगे फिर हम नीचे आएंगे तो हम ऐसे इतना मेहनत से इतना स्वेट करके ऊपर नहीं आए सो वही गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार प्लीज़ सबसे पहली चीज़ हम रूफ टॉप पर जाएंगे तुम ये देख सकते हो बारिश हो रही है तुम देख सकते हो एंड मैंने जैसे कि मैंने कहा था मैं टेरिस पे आ गया सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो इफ यू गाइस डिड मेक श्योर देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए सो आई होप लोगों को वीडियो देखने मजा आ रही होगी और अगर मजा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो अपने फ्रेंड्स को ट्यूशन फ्रेंड्स को स्कूल फ्रेंड को क्लासेस फ्रेंड को अपने आजू बाजू वाले को अपने नेबर्स को सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए सो वही सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेक्सी बेबी बाय फैम्ब्रो. We'll be right back.